गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मिता मनोड़ा, फोर्थ क्लास सेकंड। आई विल टीच यू सब्जेक्ट हिंदी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा पाठ दो वर्णमाला। आप आज क्या पढ़ेंगे? पाठ दो वर्णमाला। हिंदी को जो हमारा व्याकरण की है, वो पाठ दो हमारा वर्णमाला है। और आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आपने वर्णमाला आपने सीख रखी है, आप इसके बारे में आज समझेंगे कि देखो वर्णमाला की परिभाषा जो हमारी वर्णमाला है। सबसे पहले आप इस वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनियों के लिए लिखे जाने वाले वाले रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग है। जो हमारा सबसे छोटा भाग है, क्या है? ध्वनि का वर्ण है, सबसे छोटा वाला भाग। इसको और छोटा नहीं किया, इससे और छोटा नहीं किया जाता। सबसे छोटा है हमारा वर्ण, ध्वनि का सबसे छोटा भाग है। जैसे वर्ण के भी दो भेद हैं, ये दो प्रकार के हैं वर्ण। ये देखो, और ये है दो भाग आपका स्वर और व्यंजन। क्या है? दो भाग है वर्ण के। पहला है स्वर और सेकंड है आपका व्यंजन। ये देखो, स्वर कुछ वर्णों को बोलने में सरल होते। ये क्या है? जो हमारे स्वर हैं, कुछ वर्ण बोलने में सरल होते हैं और उन्हें स्वर कहते हैं। जो शब्द बोलने में सरल होते हैं, हम जब बोलते हैं तो कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है जिसे बोलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, लेकिन हमारे वर्ण बोलने में सरल होते हैं, इन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में ये कुल कितने होते हैं? 13। इनकी जो संख्या है कितनी है? 13 होते हैं। और क्या कहते हैं इनको? स्वर। स्वर में क्या आता है हमारा? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ और ऋषि। फिर सेकेंड लाइन है ए, ए, ओ, ओ, अंग, अह। तो ये क्या है? हमारे स्वर है। क्या है? हमारे स्वर है। और इनकी जो संख्या है ये 13 है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी ये 13 वर्ण। इसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। और ये बोलने में क्या होता है? इजी, सरल होता है। इसके साथ हम दूसरा उच्चारण नहीं करते हैं। ये हमारे जो शब्द हैं, ये हमारा उच्चारण शुद्ध करते हैं। पढ़ेंगे व्यंजन। कुछ वर्ण बोलने में ज्यादा समय या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। कुछ व्यंजन हमारे ऐसे हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है? 35 होती है। ये देखिए आप, और ये हमारे हैं व्यंजन। ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। इसमें थोड़ा सा ये नॉर्मली नहीं बोले जाते, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो थोड़ा ताल से लगती है और हमें इसको थोड़ा उच्चारण करने में इनके इनके स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क आ रहा है ना, क ख ग घ ग च छ ज झ या ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ख। ये क्या है? हमारे व्यंजन हैं। और जो हमारे दो वर्ण हैं ये अलग हैं, अतिरिक्त वर्ण इसको कहते हैं। ये है ड और ढ। फिर है संयुक्त व्यंजन। ये हमारे जो नीचे 1, 2, 3, 4, 4 अक्षर जो लिखे हुए हैं, ये क्या है?
हमारे संयुक्त हैं। इनको जब हम बोलते हैं तो इस अक्षर को बोलने में तो ये देखो अक्षर, तो जब हम बोलते हैं तो हमारा उच्चारण दूसरे अक्षर से निकलता, जैसे अक्षा अक्षा बोला लेकिन इसमें ह का उच्चारण आ रहा है, त्र त्र बोला त्र तो इसमें क्या आ रहा है त्र, यानी र का भी इसमें उच्चारण आ रहा है। ज्ञान अक्षर तारा ज्ञान और ये है स्र। इस तरह से आप इनको समझेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, हमारे कितने हैं व्यंजन 35 है और स्वर कितने हैं 13 है। अब इसके बाद आप पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे हम मात्राएं। अब आप ये ध्यान दें कि मात्राओं की संख्या भी कितनी है, यह है आपके मात्राएं। शब्द बनाने के लिए स्वर तथा व्यंजन दोनों का प्रयोग जरूरी है। जब हम कोई भी शब्द बनाते हैं तो उसमें स्वर भी और व्यंजन दोनों ही प्रयोग होते हैं। व्यंजन के सात स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है और व्यंजन के जो सात में है वो क्या है स्वरों का प्रयोग। जो हम मात्रा लगाते हैं तो उसमें हमारा स्वर बन जाता है और हमारी जो मात्राएं हैं उसकी संख्या 10 है। कितनी है 10 है। ये देखो ये मात्राएं हैं, आप ध्यान देंगे और मात्राओं का ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए क्योंकि हमारी हिंदी व्याकरण हमें शुद्धता को प्रदान करती है, लेकिन शुद्धता हमें तभी आएगी जब हमें मात्राओं पे ध्यान देंगे। यह है आपका सबसे पहले है आ की मात्रा, फिर देखो छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनकी क्या है मात्रा है। ये देखो ये किसकी मात्रा है री की मात्रा है, ये है ए ए, ये ए की मात्रा है ओ और ये है आपका ओ की मात्रा। तो ये हमारी जो मात्राएं हैं ये 10 हैं, स्वर हैं वो 13 हैं और व्यंजन हैं जो वो 35 है। इनको भी आपने ध्यान रखना है कि हमारी जो स्वर व्यंजन और मात्राओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, और आप इसको ध्यान से देखेंगे और मैं इसकी आपको वीडियो भेजूंगी और आप उसको पढ़ेंगे और याद करेंगे और समझेंगे। ओके थैंक यू।